यार गर्दन दर्द होगी, 2.5 घंटे से कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ देख रही हूँ, कहीं तो मुझे स्नोफॉल दिख जाए, कहीं नहीं दिख रहा कुछ, धुंध में लाके बिठा दिया तेरे बाप ने यहाँ। ठीक कह रहे हो माँ भी तो, मैं तो हमेशा ही ठीक कहती हूँ, गलत बोला कब है मैंने? धुंध में लाके बिठा दिया पापा ने। तेरे बाप को छोड़ूंगी नहीं आज, अगर यहाँ स्नोफॉल नहीं हुई ना चीकू, जिंदगी में तेरा मार बाप सिर्फ मैं ही रहूंगी। कल से नेट नहीं चल रहा था, मैंने रिचार्ज नहीं किया, रिचार्ज किया मैंने, यहाँ रिचार्ज क्या किया, होटल वाले का वाईफाई ले लिया, वाईफाई लिखा अपने घर से 10 किलोमीटर लेके आया तेरा बाप, बस 10 किलोमीटर। हाँ और मेरे को क्या कह रहा था, शिमला की वादियों में ले जाके तुझे स्नोफॉल दिखाऊंगा। धुंध में लाकर बैठा दिया, धुंध दिखाने थी क्या, धुंध तो हमारे घर में थी। अब एक बात बता, तेरा बाप है कहाँ? मेरे को थोड़ी पता है, चल ढूंढ के आते तेरे बाप को, आजा आराम से उतरियो, कभी हाथ पैर तोड़वा ले, रुक जा पहले मैं उतरूंगी फिर तक उतारूंगी। आजा मेरे लाल, ओरे मेरा बेटा, चलो आज ना तेरे पापा को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, इतना गुस्सा दिला रहे हैं भैया, क्या हाथ सेक रहे हो, ठंड है भी यहाँ पे, ठंड होने वाली है थोड़ी देर में, थोड़ी देर में ठंड होने वाली है, मुझे तो कोई आसार नहीं लग रहे, हो जाएगी। अच्छा ये बताओ इसके पापा कहाँ हैं? ये गए हैं यहीं पे पास में। ओह नो, कहाँ पास में? आपके लिए प्रार्थना करने मंदिर। मेरे लिए प्रार्थना, मैं क्या मरने वाली हूँ? नहीं नहीं आपके लिए स्नोफॉल करवाने गए हैं। प्रार्थना से स्नोफॉल, समझ नहीं आया कुछ, ऊपर से स्नोफॉल होगा जब भगवान को प्रार्थना करेंगे। अच्छा तभी मंदिर गए हैं? हाँ तभी तो जुगाड़ किया मेरे सारा, बड़ा बड़ा धुआं आ रहा, मैं तो जा रही, तुम लोग सेको, अभी थोड़ी देर में आ जाना, देखना आना पड़ेगा आपको। अरे मोहित भाई कहाँ रह गए यार, तेरी भाभी ने यार खून पी रखा यार स्नोफॉल के चक्कर में, मैंने तो यार उसका फोन भी बंद कर रखा था कि नेटवर्क ना चेक हो, पता भी ना चले उसको घर से हम कितनी दूर है, स्नोफॉल करवा दो यार। देखो भाई अगर स्नोफॉल नहीं हुई ना आज तो भाई क्या बताओ, मतलब मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा भाई, करवा दो यार कितनी देर तक। ठीक है भाई जल्दी करवा दो। बदतमीज आदमी, क्या हुआ, कहाँ लेके आया मुझे? पहाड़ों में बेटा, पहाड़ों में वादी में, देखो कितनी अच्छी वादी है। स्नोफॉल कहाँ है? स्नोफॉल कहाँ है बेटा? होएगी, टाइम होता है, देखो अभी देखो क्या टाइम हुआ है, 6 बजे, 10-20 मिनट में स्नोफॉल हो जाएगी, उसके बाद तुझे इतनी ठंड लगने वाली है ना, तो मुझे खुद बोलेगी मुझे घर लेके चलो। अगर 10 मिनट में स्नोफॉल नहीं हुई तो ये जो अंगीठी चल रही है ना, समझ जाओ क्या कहना चाहता हूँ, क्या हाथ से कहेंगे इस पे, इसकी जगह तुम जलते हुए दिखोगे मुझे। ऐसा बोलता कोई, 4 दिन बाद करवा चौथ हो बेटा, ऐसे करवा चौथ रो जाते, 10 मिनट में हो जाएगी, समझ कर, हट जाओ, हो जाएगी बच्चे हो जाएगी। हेलो जल्दी करवा यार जल्दी करवा, यहाँ पे मुझे लग रहा मर्डर होने वाला मेरा, जल्दी करवा फटाफट, आ जा स्नोफॉल होने वाली है। तुम क्या अंतर्यामी हो क्या, स्नोफॉल होने वाली सच है? में बेटा 2 सेकंड के बाद स्नोफॉल हो, आंखें बंद कर। तो आंखें क्यों बंद कर रहे हो, मुझे गिरते हुए दिखनी है। अरे भाई मेरे भगवान से सीधे संपर्क है, उन्होंने बताया 2-4 मिनट के बाद स्नोफॉल होने वाली है, आगे चलना आराम से चलते, तुम मुझे भट्टी में डालने आंखें बंद करो बेटा, आप भी आंखें बंद करो, आप भी आंखें बंद करो, बस 1-2 सेकंड में होने वाली है, होने वाली है, तो नहीं मारने वाले तुम सच में, ये देख भाई ठंड लग रही है, मैं तो जा रही हूँ, मजे लेना, नहीं मुझे ठंड लग रही है।